एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस मंच के माध्यम से हम कई बार कह चुके हैं कि मिलिटेंट्स और मिलिटेंट सपोर्टर्स के लिए जो है हमारी केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकार जो है काफ़ी सख्त हो चुकी है और उनको बख्शने के मूड में जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं या उनको शेल्टर देते हैं, उन सब पर भी गाज गिर रही है। खबर जो है बांडीपुरा से आ रही है, जहाँ पर दो रेजिडेंशियल हाउसेज को अटैच किया गया है। ये वही हाउसेज हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकवादियों को शेल्टर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुंदपुरा और रामपुरा व चिट्टी बांडे गांव में आतंकवादियों को शरण देने के लिए दो रिहायशी संपत्तियों को अटैच कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि घरों का इस्तेमाल आतंकवाद के उद्देश्य से किया जाता था और घरों के सदस्यों द्वारा स्वे इच्छा से आतंकवादियों को आश्रय दिया जाता था। आपको बता दें कि गुंडपुरा रामपुरा में घर आरोपी एजाज अहमद रेशी के पिता अब्दुल मजीद रेशी के नाम पर रजिस्टर है और FIR जो है रजिस्टर कर ली गई है। और इसी तरह से चिट्टी बांडे में एक अन्य घर आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक के नाम पर रजिस्टर है और FIR उनके नाम से रजिस्टर कर ली गई है। इससे पहले भी कई लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर की बात करें, विशेष प्रकार से कश्मीर घाटी की बात करें, विभिन्न जिलों में जो है लोग आतंकवादियों को आश्रय देते हैं और उसके बाद फिलहाल हमारी सरकार जो है वो संजीदगी का परिचय दे रही है और उन सब पर गाज गिराते हुए नजर आ रही है और उन सब की प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। इससे पहले भी अटैच किया गया है और आज एक बार फिर से अटैच किया गया है और आने वाले समय में फिर से अटैच किया जाएगा उन लोगों की प्रॉपर्टीज को जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या उनको किसी भी प्रकार की शेल्टर प्रदान करते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।